फ्रेंड वेलकम टू एम के गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। आज हम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों में हमारे प्लांटों में उसी तरह फ्लावरिंग होती रहेगी। वो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड घर से ही है। मैं जितने भी फर्टिलाइज़र बताती हूँ सब अपने घर से किचन से रिलेटेड हैं फ्रेंड, किचन वेस्ट है फ्रेंड। और मैं मार्केट का कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों में नहीं यूज करती। और फ्रेंड अभी तो आ गई है गर्मी, गर्मी में हमें मार्केट का कोई भी केमिकल रहित फर्टिलाइज़र या कोई भी खाद अपने प्लांटों में नहीं देना, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा ये सारे नुकसान भी करते हैं हमारे प्लांटों के लिए। तो हम गर्मियों में अपने मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र न डालें, अपने घर में ही बनाते रहें फ्रेंड। और ठंडक जो जिस फर्टिलाइज़र में ठंडक हो फ्रेंड, वैसे फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों को हमें डालने चाहिए फ्रेंड, ऑर्गेनिक जैसे फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ नींबू है जो, उसके बारे में बताऊँगी कि आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है और प्लांटों में कैसे डालना फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा फ्रेंड। तो मैं चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसका कैसे बना के डालना फ्रेंड। इससे क्या होता है फ्रेंड, अगर हम ऐसे भी रख देते हैं तो चींटियाँ भी नहीं लगती फ्रेंड, और कैल्शियम की जो वो होती है मात्रा वो भी हमारे प्लांटों में बराबर बनी रहेगी। तो आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि मैं कैसे क्या यूज करती हूँ फ्रेंड। और अभी तक फ्रेंड मुझे 3-4 साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, पर मैंने फ्रेंड कभी अपने प्लांटों में मार्केट का कोई भी कुछ नहीं यूज किया। सब घर से ही बनाती हूँ फ्रेंड, सब घर का ही है, क्योंकि मार्केट से क्या है ना उतना मेरे पास अभी इनकम ही नहीं है कि मैं मार्केट से लेकर के कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों में अप्लाई करूँ। या तो कोई खाद होती है, खाद को भी मैं घर में बनाती हूँ। गोबर की जो खाद होती है उसको 3-4 साल का सड़ा हुआ गोबर होता है, उसको भी मैं फ्रेंड अपने घर में खुद ही बनाती हूँ। और कभी हमारे बुआ जी हैं जो लगाती हैं सब्जियां फ्रेंड, जैसे प्याज हो गई, ये प्याज और लहसुन, मूली, गाजर, मतलब हर मौसम में हर प्रकार की वो सब्जी लगाती हैं। आलू हो गया और लौकी हो गई, बैंगन, भिंडी, मतलब जैसे जैसे मौसम आता है उसी मौसम के अनुसार वो सारी मतलब सब्जी वाले गार्डनिंग करते हैं फ्रेंड। तो मैं वहीं से वो खाद बनाते हैं, तो मैं खाद गोबर की ज़्यादातर वहीं से लाते हैं फ्रेंड। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं एक बोरी लेकर आई हूँ तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिएगा एकदम काली चाय की तरह होती है फ्रेंड। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो फर्टिलाइज़र कैसे आपको इस्तेमाल करना है फ्रेंड। ये फर्टिलाइज़र हर प्रकार के फूलों वाले पौधों में आप डाल सकते हैं, जैसे मोगरा हो गया, गुड़हल हो गया फ्रेंड, जैसे ये गुड़हल हो गया, ये मोगरा हो गया। देखिए मेरे में कैसे बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, सभी में देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड आप हर प्रकार के इन पौधों में डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ उसको कैसे बनाना है फ्रेंड। तो ये रहे मेरे सूखे हुए नींबू, देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहे मेरे सूखे हुए नींबू। इन नींबू को आपको क्या करना है, इनको डाल देना है पानी में फ्रेंड। ये सूखे हुए नींबू को पानी में डाल देना है फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप। जैसे आप खाते हैं और नींबू का छिलका आप फेंक देते हैं वेस्ट, तो फ्रेंड उसको फेंके ना उसको। देखिए ये पानी मैंने इनको डाल दिया, और इसके साथ और क्या डालना है वो भी आप लोगों को दिखा देना फ्रेंड। तो देखिए किचन से जो भी हमारे निकलता है मैं फेंकती नहीं हूँ, सब संभाल के रखती हूँ फ्रेंड। तो ये हो गए हमारे प्याज के छिलके फ्रेंड, प्याज को डालना है फ्रेंड। इसमें हर तरह की विटामिन्स फ्रेंड सब कुछ पाया जाता है, तो आप लोग ज़रूर डालें। ये प्याज हो गया, नींबू हो गया फ्रेंड, और एक चीज़ अभी और इसमें डालना है, ये हो गए आलू के छिलके, देख सकते हैं ये आलू के छिलके फ्रेंड, आयरन में भारी मात्रा में पाया जाता है, तो ये आलू के छिलके डाल दें। ये हैं आलू के छिलके। तो फ्रेंड इन तीनों चीज़ों को मिला करके और हमें 2 दिन के लिए इनको रख देना है, 2 दिन के लिए फ्रेंड। और 2 दिन के बाद आप इनका रिजल्ट खुद ही देखिएगा। अभी मैं सब डाल दूं फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड इतना सब कुछ करने के बाद आपको 2 दिन के लिए रख देना है।
अब 2 दिन के बाद अपने हर एक प्लांट में इसको डाल सकते हैं फ्रेंड, फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले, किसी भी प्लांट में आप इसको खूब आसानी से डाल सकते हैं। बस इसको क्या करना है, अब हम 2 दिन हो जाएं इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड 2 दिन के बाद इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ किस तरह से कलर निकल के आया है। तो आप छन्ना की मदद से छान लें, क्योंकि फ्रेंड मेरा छन्ना नीचे ही है तो मुझे भूल ही जाता लाने के लिए, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ फ्रेंड। तो आपको एक बात का ध्यान रखना फ्रेंड, इसमें मैंने कुछ संतरे की भी छिलके डाल दिए थे, इस तरह इसका कलर आया फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, जितना अगर आपको 1 गिलास लेना है फ्रेंड, तो 1 गिलास आपको इसमें पानी भी ऐड करना है। कोई यहाँ पे बड़ा बर्तन नहीं है तो मैं इसे मैल का डाल के और जैसे ये पानी में मिला लेती हूँ इसमें से, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड। तो जितना जैसे आप 1 गिलास लेंगे ना, तो 1 गिलास में पानी मिलाएंगे और आप हर प्रकार के फूल वाले पौधों में या हर प्रकार के पौधे में आप इसको डाल सकते हैं फ्रेंड। तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि ये मेरा फर्टिलाइज़र कैसा लगा फ्रेंड। और हाँ, एक बात का और ध्यान दें, ये फर्टिलाइज़र से ना फ्रेंड आपके प्लांट में चींटी भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये नींबू है जो नींबू की महक से और जो फंगीसाइड होते हैं वो आपके प्लांट में अटैक नहीं करेंगे फ्रेंड। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दें, जो भी फर्टिलाइज़र आप यूज करें तो किचन से ही यूज करें, मार्केट का भी कुछ ना डालें, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और हवा लू भी चल रही है, तो हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड घर से ही संबंधित फर्टिलाइज़र बना बना करके अपने प्लांटों में अप्लाई करते रहना चाहिए। तो मेरी जानकारी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं मैं मैं अपने चैनल में आपके लिए लाती रहूँगी। फर्टिलाइज़र हो गया, कटिंग्स के बारे में बताती हूँ फ्रेंड, और DIY प्लांटर भी बनाती हूँ। तो मैं मतलब मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना कंटेक्ट खुद का डालती हूँ फ्रेंड, और जो मुझसे बनता है वो ही मैं दिखाती हूँ, और मैं कोई दिखावा नहीं है, मैं पहले प्रैक्टिस करती हूँ बाद में आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये जो रखा हुआ है सब मैंने खुद अपने हाथों से ही बनाया है, जितने भी मेरे चैनल में जो कुछ भी पड़ा हुआ है मैं खुद अपना घर में ही बना करके, और ये सब कबाड़ का जुगाड़ भी करती हूँ, सब कबाड़ से रिलेटेड मेरी रिलेटेड वीडियो बहुत सारी पड़ी हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों, अब प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडों प्लीज़। मैं इस वक्त बहुत परेशान रहती हूँ फ्रेंड, और मेरे पास यही पौधे हैं, मेरा और कोई सहारा नहीं है, बस आप ही लोग सहारे हो, और ये मेरे प्लांट है जो मैं इनके सहारे अपनी वीडियो बना के आप लोगों तक डालती हूँ फ्रेंड। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और मैं यही है मेरा एक चारा जो मैं इनमें बिजी रहती हूँ, बाकी मेरा और कोई सहारा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन के प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करिए, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो ना तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। और मेरे ये फर्टिलाइज़र सब घर से संबंधित फ्रेंड, मुझे जितनी जानकारी है और मैं इतना जानती हूँ कि घर से जो भी फर्टिलाइज़र बनाएंगे हमारे प्लांटों के लिए अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो हमारे प्लांटों को कोई भी नुकसान नहीं करेंगे फ्रेंड। अगर हम मार्केट से लाएंगे ना, तो अगर उनको 1 चम्मच देना है ना, 1 चम्मच से अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप लोगों के प्लांट को ख़राब कर सकते हैं, जला भी सकते हैं फ्रेंड। इसलिए मैं घर से ही संबंधित डालती हूँ फ्रेंड। आपने हल्दी का नाम सुना होगा, वो शरीर के लिए भी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और प्लांटों के लिए भी अच्छी है। तो सबसे ज़्यादा तो फ्रेंड मैं हल्दी का ही यूज करती हूँ फ्रेंड, सबसे ज़्यादा अपने प्लांटों में। अगर मेरे प्लांट में कुछ भी लगता है, चींटी मकोड़े कुछ भी, तो मैं पहले हल्दी ही डालती हूँ फ्रेंड। तो बाय बाय, लव यू मेगा डलूंगा फ्रेंड, बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड। और तुम भी बाय कर लो, गाजर खा रहे हो चुपके चुपके, बाय करो करो बाय, ये बाय कर रहा मेरा प्यारे से खरगोश, बाय कर लो, बाय बाय बाय।